आज के प्रोग्राम के बारे में बताया जरा। अभी हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने हमारे पलवल के बहुत ही लोकप्रिय नेता श्री सुभाष कटियार जी, जो पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हैं जी, उनको हैफेड का हरियाणा का चेयरमैन नियुक्त किया है। आज उसी निमित्त पलवल जिला में बाजारों से होते हुए उनका अभिनंदन लोग कर रहे हैं और एक विशाल संख्या में जिला पलवल के लोग उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए आए हैं। और हम सब लोग पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। लोकसभा को लेकर किस तरह की तैयारी सर? देखिए, लोकसभा का चुनाव राष्ट्रवाद के नाम पर, विकास के नाम पर पूरे देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में लड़ा जा रहा है। और निश्चित तौर पर ये देश की जनता फिर से इस देश के लोकप्रिय नेता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। एक तरफा आंधी आदरणीय मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की चल रही है। आज जिला प्रशासन ने कत्याल साहब के पोस्टर और बैनर हटाए, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है, अब आपने कहा है तो उसकी जानकारी लेंगे। एक मिनट, एक मिनट भाई, मन के सहयोग से, स्नेह से और श्री मनोहर लाल जी खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री के आदेश पर मुझे हरियाणा हाइब्रिड का चेयरमैन बनाया गया है। मैं माननीय कृष्णपाल जी का और मुख्यमंत्री महोदय का बहुत धन्यवाद करता हूँ। कृष्णपाल जी ने आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन किया है, मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि इनको लोकसभा में जिताकर माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे और मनोहर लाल जी का सर ऊंचा करेंगे, उनका मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत